दिखाया तो ये कॉलोनी है, इस कॉलोनी का नाम है न्यू कॉलोनी शिवपुर वाराणसी। ये देख रहे हैं, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। और अभी मैं मौजूद हूँ अपने वाराणसी के शिवपुर के न्यू कॉलोनी में, जो कि दिखाया तो अपने वाराणसी का काफ़ी प्रसिद्ध एक दुर्गा पूजा पंडाल लगता है, तो आज मैं उसी का दृश्य दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए आपको बैक कैमरे से आपको दिखाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में यहाँ से करता हूँ, ये सीधे रास्ता शिवपुर बाईपास के लिए चला जाएगा। और वही बात किया जाए, यह जो रास्ता है यह चला जाएगा शिवपुर रेलवे स्टेशन के लिए और शिवपुर थाना के लिए। और यहाँ पर देखिए एक रोड है, सामने देखिए एक बोर्ड भी लगा हुआ है, राघव राव वर्मा बालिका इंटर कॉलेज शिवपुर वाराणसी के लिए यह जो रास्ता है यह चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी रास्ते चलते हैं। फिलहाल देखा है तो उस समय जब दुर्गा पूजा जब लग जाएगा, पंडाल लग जाएगा, सज जाएगा, तो इस साइड से देखिए एंट्री है, एग्जिट आपका उस साइड से रहेगा। आपको मैं दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। और आपको मैं यह भी बताऊंगा कि आखिर इस बार किस मंदिर का जो है दुर्गा पूजा पंडाल बनाया जा रहा है। हालांकि देखा है तो इसमें हर साल इलेक्ट्रिक माध्यम से जो कि चलने वाला दुर्गा प्रतिमा रहता है। ठीक है, ये देखिए इस साइड देख पा रहे होंगे जो कि पंडाल को बनाया जा रहा है, ये देख रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो यह जो स्टेडियम है काफ़ी छोटे में, लेकिन तब पर भी काफ़ी ज़बरदस्त यह पंडाल बनाया जाता है। तो आपको बता दूं कि यह दिखाया तो ये कॉलोनी है, इस कॉलोनी का नाम है न्यू कॉलोनी शिवपुर वाराणसी। ये देख रहे हैं, ये देखिए सामने से एंट्री रहेगा और इस साइड से है एग्जिट, ये देख रहे हैं गेट लगा हुआ है, ये देख रहे हैं। फिलहाल इस समय सुबह का समय है, जिसकी वजह से कारीगर लोग हैं वो नहाने धोने और खाना खाने में थोड़ा बिजी हैं। और ये फिलहाल मैं आ चुका हूँ पंडाल के अंदर, ये देख रहे हैं दृश्य, दृश्य कुछ इस प्रकार, ये देख रहे हैं। ये देखिए बहुत सी ऐसी लकड़ियां हैं जो कि काट कर इसे मंदिर का रूप दिया जाएगा। और आपको बता दें कि इस बार न्यू कॉलोनी यानी कि शिवपुर में जो है ये मध्य प्रदेश का काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर यानी कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो कि महाकालेश्वर मंदिर का पंडाल बनाया जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं, उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन आपको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।